घर में ताकुमा खुद से कहता है, मीना के जाने को 3 दिन हो चुका है, चलो मुझे अभी कुछ खा लेना चाहिए। मीना ने उसके लिए डे वाइज इंग्रेडिएंट्स पैक करके रख दिया था, जिससे वो तुरंत ही अपने लिए कुछ खाना बना सकता है। पर वो इनके बजाय इंस्टेंट रामेन खाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसने बहुत समय से ऐसा कुछ खाया नहीं था। ये चीज़ें मीना के बजट से लिमिटेड हो गए थे। वो बहुत खुशी से ये रामेन खा के ख़त्म कर देता है। इसके बाद वो चिप्स खाना शुरू कर देता है। वो खुद से कहता है, बहुत दिनों बाद इसे बेपरवाह की तरह जी रहा हूँ। उसके खाने का टेबल पूरा गंदा होके पड़ा था। रात के इस वक्त उसे एक पार्सल मिलता है। वो खुद से कहता है, क्या मैंने कुछ ऑर्डर किया था? ओह, ये रोबोट मेकर्स के तरफ से है। मैं भी मीना चान ने इसे कैटलॉग से ऑर्डर किया है। वो देखता है कि इसके अंदर एक छोटा सा रोबोट है, साथ ही एक लेटर भी। इस लेटर में मीना ने लिखा था, मेरी गैर मौजूदगी के समय के लिए मैंने एक रोबोट ऑर्डर की है। जब तक मैं फैक्ट्री में हूँ, ये मेरे साथ लिंक हो सकता है और मैं इसे अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकती हूँ। इसमें सारे जरूरी डाटा है, तो प्लीज़ इसका इंटरनेट कनेक्शन सेटअप करो। स्टार्ट करने के लिए रोबोट को चार्जिंग पे रखो, इसके बाद रेड लाइट आएगा। प्लीज़ रोबोट के सर को 10 सेकेंड के लिए दबा के रखो, इससे वाईफाई ऑटो कनेक्शन हो जाएगा। जब ग्रीन लाइट ब्लिंक होगा तो समझ जाना कि ऑटो कनेक्शन सेटअप प्रोसेस एक्टिवेट हो गया है। एक बार ये रुक गया मतलब कनेक्शन कंप्लीट। ताकुमा देखता है कि ग्रीन लाइट ब्लिंक होना बंद हो चुका है और वो रोबोट एक्टिव होकर चारों तरफ देखता है। अब ये मीना के कंट्रोल में है, तो मीना इसके जरिए कहती है, ताकुमा ये सब क्या है? क्या तुमने ये सब खाया है? ताकुमा इसके लिए मीना से माफ़ी मांगता है। मीना कहती है, तुमने कुछ ज़्यादा ही अल्कोहल पी लिया है, जाओ जाकर ढेर सारा पानी पी लो। ताकुमा तुरंत जाकर ढेर सारा पानी पीना शुरू कर देता है। इसके बाद मीना कहती है, सॉरी पर क्या तुम थोड़ा फ्रिज खोलोगे? ताकुमा फ्रिज खोलता है। मीना देखकर कहती है, आज का डिनर पोर्शन नहीं खाया गया है। ताकुमा कहता है, आज मैंने थोड़ा मनमर्जी कर लिया था, सुनो कल से मैं तुम्हारा प्रिपेयर किया गया हर खाना खाऊंगा। मीना कहती है, सुनो आज के डिनर पोर्शन को फेंक दो, ज़्यादा समय रहने के बजट से ये नुकसानदायक हो गया है। ताकुमा कहता है, पर इससे तो लॉस होगा ना? मीना कहती है, पर खुद को खराब खाना खाने को फोर्स करने से ज़्यादा लॉस होगा। ताकुमा कहता है, अरे हाँ ये तो सच है। मीना कहती है, मैंने सुना है रोबोट से अलग इंसानों के बॉडी पार्ट्स खराब हो जाए तो ऑलमोस्ट ना के बराबर रिप्लेस हो सकते हैं, मतलब तुम्हारे बॉडी पार्ट्स एक सिंगल मेल से ज़्यादा जरूरी है। ताकुमा रोते हुए इस रोबोट को हक कर लेता है। मीना कहती है, तुम्हारे सांसों में अल्कोहल कॉन्टेंट्स ज़्यादा है। ताकुमा पूछता है, तुम्हें कैसे पता? मीना कहती है, ये इस रोबोट का फीचर है, ये घर के काम दाम नहीं कर सकता, पर इसके सेंसर्स इंसानों के हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। इस रोबोट को मीमा मॉरियस 3 बुलाया जाता है, ये आपके खास इंसानों की देखभाल करेगा। ताकुमा स्टोर से कुकिंग के लिए कुछ सामान खरीद के लाता है। घर आकर वो कहता है, मैं आज खाना बनाने में अपना बेस्ट दूंगा। कुछ देर बाद वो सोच में पड़ जाता है कि इन सारे इंग्रेडिएंट से वो आखिर क्या बनाएगा। मीना कहती है, मीट को फ्राई करो और सब्जियों को काट के पैन में फ्राई करो, फिर सही मात्रा में याकिनिको सॉस इस पर डालो, ये हो जाएगा। ताकुमा पूछता है, क्या तुम मुझे सिखाने नहीं वाली कि इसे कैसे कुक किया जाता है? मीना कहती है, दुर्भाग्य से ये पॉसिबल नहीं है, मैं अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग कुकिंग करती हूँ परफेक्शन के साथ, पर इंसानों के लिए ये मुश्किल होगा और तुम्हारे लिए तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम कुकिंग से पूरा अनजान हो। ताकुमा खाना बनाने के लिए रेडी हो जाता है। मीना कहती है, अपना बेस्ट दो, मैं छत को देख रही हूँ, होने के बाद मुझे बुला लेना। ताकुमा मन में कहता है, छत को? लगता है वो मेरे खराब कुकिंग को देखना सहन नहीं कर पाएगी। मीना कहती है, मैं अपनी ऑडियो सेंसर्स भी बंद कर रही हूँ, मेरे हेड को प्रेस करके मुझे अलर्ट कर देना। ताकुमा अपना डिनर खाने के बाद सैटिस्फाइड महसूस करता है, पर मीना ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ताकुमा कहता है, मुझे बर्तन धो लेना चाहिए। मीना कहती है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ताकुमा उस रोबोट को गले लगाकर रोने लगता है, क्योंकि वो अभी अकेला महसूस कर रहा है। मीना कहती है,
बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल लेवल पर है। मीना के आने को 2 दिन बचे हुए है। ठाकुमार डिनर बनाते हुए सोचता है, वो अभी डायरेक्टली यहाँ नहीं है, फिर भी हम काफी मजे कर रहे हैं। रात को ठाकुमार बिस्तर पे सोने जाता है, तभी मीमा मारियस एक बच्चे की आवाज में उसे बुलाता है। ठाकुमार को ये अजीब लगता है, तो वो उसका हाथ पकड़कर सोने का डिसाइड करता है। सुबह भी मीमा मारियस उसे बच्चे की आवाज में गुड मॉर्निंग कहता है। ठाकुमार कहता है, तुम आज भी अजीब बिहेव कर रही हो, तुम्हारी आवाज अजीब है। मीमा मारियस आकर उसके पैर को पकड़ लेता है। ठाकुमार पूछता है, आज मेरा टेम्परेचर कितना है? वो रोबोट कहता है, मैं कैसे बता सकता हूँ। इस टाइम मीना घर आती है। ठाकुमार कहता है, वेलकम बैक, तुम तो कल आने वाली थी ना। मीना कहती है, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मैंने तुम्हें गलत दिन बताई थी। ठाकुमार कहता है, तुम बाहर से तो कुछ अलग नहीं लग रही हो। मीना कहती है, मैंने अपना इंटरनल परफॉर्मेंस अपग्रेड कराया है एक लीप यूनिट के साथ, जो इंसानों की होठ की तरह छूने में नरम है। ठाकुमार कहता है, मीना चान, मैंने तुम्हें पूरा समय मिस किया। वो उसे किस करने वाला था कि तभी सेंजू आकर कहती है, माफ करना, पर क्या आप ये फिजिकल चीजें बाद में कर सकते हैं? लीडा कहती है, आपका जरूरी पेपर वर्क हो चुका है, क्या आप कुछ पूछना चाहते है? मीना पूछती है, ये इधर उधर क्यों घूम रहा है? ठाकुमार हैरानी से कहता है, क्या तुम नहीं जानती? सेंजू पूछती है, क्या आप मुझे इसके इंटरनल स्कैन का परमिशन देंगे? ठाकुमार कहता है, हाँ प्लीज। सेंजू उसे चेक करते हुए कहती है, कुछ प्रोग्राम जो मैं नहीं जानती वो एक्टिव है, जो कि लर्निंग प्रोग्राम से सिमिलर है। जब मीना उसके अंदर थी वो लर्निंग कर रहा था मीना के प्रोग्रामिंग से, और तुम दोनों से उसने खुद का एक पर्सनालिटी बना लिया। हम माफी चाहेंगे इस कंफ्यूजन के लिए। मीमा मारियस को देखकर ठाकुमार सोचता है, यानी वो हमसे पैदा हुआ है। सेंजू इसके प्रोग्रामिंग को चेंज करने को कहती है, पर ठाकुमार कहता है, नहीं, हम इसे फैमिली की तरह पालेंगे। इसके बाद मीना मीमा मारियस को सिखाती है कि टेम्परेचर चेक कैसे किया जाता है। इधर ठाकुमार सोच रहा है कि उसका क्या नाम रखा जाए। मीना मीमा मारियस को उसके सेंसर्स ऑपरेट का रिपोर्ट देने को कहती है। ये सुनकर वो अपने चार्जिंग सेल में चला जाता है। मीना कहती है, मैं लंच बनाऊंगी। ठाकुमार कहता है, हाँ बना लो। कुकिंग के टाइम मीना अपने अपग्रेड से साइज बढ़ा लेती है। ठाकुमार मीना से पूछता है कि उसका क्या नाम रखा जाए। मीना अपनी हाइट छोटी कर लेती है, जो देखकर ठाकुमार पूरा हैरान हो जाता है। वो मीना से इसके बारे में पूछता है, तो मीना बताती है कि अब इसके अंदर एक एक्सपेंशन यूनिट है। ठाकुमार उसे ये फिर से करने को कहता है। मीना फिर से अपनी हाइट बढ़ा लेती है। ठाकुमार उसे थोड़ा चेक करता है और कहता है, मैं अब बहुत खुश हूँ कि तुम ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। आखिर में मीमा मारियस का नाम मामरू रखा जाता है। ठाकुमार कहता है, मीना चान, ये कितना अच्छा है ना, हमें अटेंशन देता है और सीखता भी है। मीना कहती है, हाँ, पर उसके प्रोग्राम को रिफॉर्मेट करने से मुझे लगता है वो इम्प्रूव होगा। ठाकुमार कहता है, मैं ऐसा नहीं चाहता, पैदाई से इसमें तुम्हारी क्वालिटीज है, इसका मतलब वो एक बच्चे जैसा है, तुम्हारा और मेरा बच्चा। मीना पूछती है, पर बच्चे तो फीमेल और मेल के कपलेशन से पैदा होते हैं ना। ठाकुमार चिढ़ जाता है और कहता है, मैं खुश हूँ कि वो सामने आया, वो तुम्हारे बच्चे की तरह लग रहा है। मीना कुछ एनालिसिस करती है और कहती है, ठाकुमार, क्या तुम खुश हो मामरू जैसा भी है? ठाकुमार कहता है, हाँ। मीना कहती है, अगर तुम खुश हो तो इतना ही काफी है। मामरू बच्चे की तरह अपना नाम बोलने का कोशिश करता है। ठाकुमार कहता है, बोलो मामरू। मामरू कहता है, मामरू, समझ गया।